So the name of the story is The Proposal, written by Anton Chekhov. Actually, this is a drama. Yeah, एक drama है. Of course, drama में भी एक type होता है. Drama generally जो है वो Shakespeare के time से दो parts में divided है. Drama जो है दो types की होती है. एक या तो comedies होती हैं, ठीक है, या फिर एक tragedies होती हैं. ओके, मतलब ट्रेजेडी जिसके अंत में कुछ ना कुछ मौत, सेपरेशन, ऐसी चीजें होती है, वो ट्रेजेडीज होती है. और कॉमेडी जो होती है उसमें कोई कंफ्यूजन हो जाता है और उस कंफ्यूजन के कारण सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लोग अलग अलग टाइप के हरकतें करने लगते हैं और उसके कारण एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट होता है. सो दैट इज अ कॉमेडी. कुछ समय बाद एक तीसरा टाइप ऑफ ड्रामा भी लोग क्लासिफाई करने लगे थे, विच वेयर कॉल्ड एज द रोमांसेस. ठीक है, यानी कि जिसमें वही प्रकृति की तारीफ की जा रही है या फिर दो लोगों की लव स्टोरी दिखाई जा रही है. ठीक है, जो जिससे कि आपका आधा इंडियन बॉलीवुड चलता है. ठीक है, बट बाद में लिटरेरियंस ने इन रोमांस को भी इन कॉमेडीज में इंक्लूड कर दिया. ठीक है, तो ये ड्रामा जो है द प्रपोजल, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी. लेकिन कॉमेडी के साथ साथ क्या है, दिस इज अ फार्स. अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि द मैरिज प्रपोजल इज अ वन एक्ट फार्स. इफ आई हैव फार्स आखिर होता क्या है. ठीक है, सो वन एक्ट फार्स मींस, सो इफ यू सी ओवर हियर, ये कहता है कि द प्रपोजल विच वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड एज अ मैरिज प्रपोजल, जैसा कि मैंने साइड में पीपीटी में रख रखा है, वो एक वन एक्ट प्ले है, एक फार्स है. वन एक्ट प्ले यानी कि ऐसा ड्रामा जो एक ही सीन में खत्म हो जाता है. बट अभी हमारा फोकस होना चाहिए फार्स पे. ठीक है, फार्स क्या है? तो जब कभी भी हम सटायर और कॉमेडी को मिक्स करते हैं, यानी कि ड्रामा को ऊपर से आप देखो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ड्रामा एक हिडन मीनिंग कन्वे कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं फार्स. ओके, तो ये इसका प्लॉट क्या है, तो ये लेट 19th सेंचुरी यानी 1880-1890 के आसपास के समय में रशिया के एक एस्टेट, एस्टेट मतलब वो बड़ी बड़ी जमींदारी है. ठीक है, रशिया के एक जमींदार के यहाँ सेटिंग है इसकी. ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिविलेज क्लास यानी कि पैसे वाले लोग हैं, अल्ट्रा हाई रिच वाले. ठीक है, आईफोन वाले, मतलब उस जमाने में आईफोन नहीं थे, बट आज के जमाने के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो वो अल्ट्रा हाई रिच वाले कैटेगरी के लोग हैं. और इनको कहा जाता था जेंट्री. ठीक है, ब्रिटेन में इन्हीं को कहा जाता था जेंटलमैन. ओके, तो इनको कहा जाता था जेंट्री. ये जो है काफी अमीर जमींदार लोग थे और अपने यहाँ किसान वगैरह को काम पे लगाते थे. ठीक है, और खुद जो है आराम से मौज मस्ती भरी जिंदगी जीते थे. तो जो भी लोग उस जमाने में रशियन लोग फार्स वगैरह लिखते थे, वो इन अमीर लोगों की जिंदगी पे अक्सर व्यंग्य करते थे, अक्सर मजाक उड़ाते थे. ठीक है, और उन अमीरों की एक टेंडेंसी क्या थी कि दे यूज टू मैरी फॉर मनी रादर देन लव. ठीक है, इनके रिश्ते जो होते थे वो रिश्तों का नींव पैसों पे टिका होता था, ना कि प्यार पे टिका होता था. समझे? Do you understand? हाँ, तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं स्टेपन स्टेपानोविच चुबुकोव, जिसका सही स्पेलिंग ये होता है बट वी प्रोनाउंस इट एज चुबुकोव. उनकी सुपुत्री सुश्री नतालिया स्टेपनोवा. ठीक है, वैसे ये वी के बाद एन है स्टेपनोवना, तो अगर आपको स्पेलिंग याद रखनी है तो प्रोनाउंसिएटर स्टेपानोवना,
नहीं, तो अगर आपको सिर्फ प्रोनंसिएशन पे फोकस करना है, स्पेलिंग आपको याद रह जाएगा, तो इसको स्टेपनोवा पढ़ा जाता है। एंड इवान वसीलिच लोमोव, जो कि चुबुकोव का पड़ोसी है और ये खुद भी एक लैंडलॉर्ड है या फिर लैंड ओनर है, ठीक है। और ये भी फार्मर कहा गया है, मतलब वो पेशे में कृषि है, लेकिन है ये बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड, ये भी बहुत बड़ा जमींदार है, ठीक है। तो अब जो पहला सीन है उसमें चुबुकोव नजर आता है, और जैसे ही पर्दा उठता है, लोबोव जो है फॉर्मल से कपड़े पहन के एंट्री कर रहा होता है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। फाइन, सो लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स, मतलब वो कोट वगैरह, व्हाइट ग्लव्स, पूरा का पूरा फॉर्मल ड्रेसअप में रहता है। तो चुबुकोव कहता है, माय डियर फेलो, हुम डू आई सी? इवान वैसिलोविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू? देखो कितने प्यार से बात कर रहा है। अरे मेरी किस्मत, इवान वसीलेविच मेरे घर आए, बड़ी खुशी की बात है, हाथ मिलाता है। ये बताओ अचानक कैसे आना हुआ? तो लोमो कहता है, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? शुक्रिया, और आपकी तबीयत वबीयत कैसी है? वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू। ये कह रहा है, हाँ बस जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, तुम लोगों की दुआओं का असर है, बैठो मेरे प्यारे बच्चे, बैठो, ठीक है। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन? कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर? अब ये देखो, माई ट्रेजर, माई एंजल, माई डार्लिंग, कितने मतलब ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स यूज कर रहा है ये लोमोव के लिए, जैसे लगता है कि पड़ोसी नहीं, अपना ही कोई फैमिली मेंबर, राइट? कहता है कि अरे बड़े दिन बाद आए, तुम तो पड़ोसियों को भूल ही जाते हो, पड़ोसियों को ऐसे नहीं भूला करते मेरे बच्चे। और ये बताओ, क्या कोट वोट पहने हुए हो, ग्लव्स वगैरह डाले हो, किधर को जा रहे हो क्या? इंडिया में अगर यही सवाल पूछा जाता तो लोमो पलट के बोलता, जाने से पहले नहीं टोकना चाहिए, आपको पता नहीं है। लेकिन इंडिया नहीं, रशिया की कहानी है। तो लोमो आगे बोलता है, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपानोविच, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूं प्यारे स्टेपन स्टेपानोविच। तो चुबुको कह रहा है, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस? तो फिर ये फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हुए हो, जैसे कि कहीं न्यू ईयर की पार्टी वगैरह में जा रहे हो, ठीक है। तो लोमो कहता है, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, देखिए दरअसल बात ऐसा है, और इतना कह के उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं आपके पास आया हूं प्यारे स्टेपन स्टेपानोविच टू ट्रबल यू विथ अ रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे मन में एक इच्छा है और मैं वो इच्छा आपके सामने रह सकता हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, एंड यू हैव ऑलवेज, सो टू स्पीक, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, आई शैल ड्रिंक सम वॉटर, ठीक है। ये हाथ पकड़ा और बोलता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आज से एक दो बार पहले भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी, और आपने हमेशा, जैसा कि कहते हैं, और इसके बाद बेचारा थोड़ा सा लड़खड़ा गया, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा पानी पीने दीजिए। पानी पीता है और चुबुको अब मन ही मन क्या सोचता है, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग, ठीक है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। चुबू को मन ही मन क्या सोचता है, ही हैज कम टू बोरो मनी, सैंट गिव हिम एनी, ठीक है, मन ही मन बोल रहा है, पक्का पैसा उधार मांगने आया है, ठीक है, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। और सामने क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट माय ब्यूटी, क्या हुआ मेरे बच्चे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि पीठ पीछे कुछ और सामने से कुछ और, तो सामने से ये लोग इतना प्यार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बनावटी प्यार है, दिखावे का प्यार, कलयुग में बहुत देखने का मिलता है। खैर, तो उसके बाद फिर लोमो कहता है, यू सी ऑनर्ड स्टेपनविच, ठीक है, देखिए महोदय स्टेपनविच, माफ कीजिएगा, ठीक है, आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच। अब ये डायलॉग में क्या है, वो फंबल कर रहा है, ये पूरे के पूरे डायलॉग में क्या है कि लोमोव जो है फंबल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो
मुझे बोलना है रेस्पेक्टेड सर, तो उसके जगह मेरे मुंह से निकल गया सस्पेक्टेड रर। फाइन, तो ये कह रहा है यू सी ऑनर स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा हूँ, आप नोटिस कर ही रहे होंगे। इनफैक्ट सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, हालांकि मैं इसके लायक तो हूं नहीं और ना ही मैं आपकी मदद एक्सपेक्ट करने का हकदार हूं। तो चुबू को कहता है अबे जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकल रहे हैं। बट वैसे नहीं बोलता है, अच्छे से बोलता है, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, गोल गोल मत घुमाओ, सीधे पॉइंट पे आओ ना, ठीक है। तो लोगों कहता है एक सेकेंड, द फैक्ट इज, बात यह है कि आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोवा इन मैरिज, बात यह है कि मैं दरअसल आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, ठीक है, बात यह है कि मैं आपकी बिटिया का हाथ मांगने आया हूं। ओके, अब चुबुको की खुशी देखो, बाय जोव, इस फ्रेज का मतलब क्या है पता किसी को? बाय जोव का, डज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बाय जोव? गूगल नहीं, जोव जो है ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे बड़ा भगवान या सबसे पावरफुल भगवान जुपिटर को माना जाता है, बृहस्पति को, ठीक है। और ग्रीको रोमन माइथोलॉजी में जैसे हम लोग बोलते हैं ना भगवान कसम, ठीक है, कसम महादेव की, ओके, तो वैसे ही ये लोग जो है बोलते थे अरे महादेव की कसम, तो तुम यहाँ जुपिटर की कसम नहीं, तुम लोग यहाँ समझो अरे महादेव की कसम। इवान वसिलेविच, फिर से बोलो यार, मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। तो लोगो कहता है कि आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं जो है आपसे आपकी बेटी, आधा ही बोला था तो ये बीच में ही रोक के बोलता है अरे मेरे प्यारे बच्चे, मैं बड़ा खुश हूं यार, हाँ मेरी तरफ से हाँ है, ठीक है। और उसके बाद इसको गले लगा लेता है, इसको किस करने लगता है, ठीक है, मतलब एक बार, एंड आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो कितने दिनों से सोच रहा था यार, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। इनफैक्ट इसके आंख से एक आंसू तक छलक जाता है, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वेर माई ओन सन, और मैंने तो तुम्हें हमेशा से इतना प्यार किया जैसे कि तुम मेरे अपने ही बेटे हो। थोड़ा देर पहले पैसा देने से मना कर रहा था, बोलना मत, मैंने से इतना प्यार किया जैसे कि तुम मेरी अपनी ही संतान हो, भगवान तुम दोनों को खुश रखे, भगवान तुम दोनों की हमेशा मदद करे, ठीक है, और जिंदगी उम्मीदों से भर दे। मैं ऐसे पागल की तरह क्या कर रहा हूं, मैं खुशी से पागल हो गया हूं, एब्सोल्यूटली ऑफ माय बैलेंस, ओह विथ ऑल माय सोल। मैं जाता हूं और नताशा को बुलाता हूं, वो नतालिया का ही निकनेम नताशा था, ठीक है, ये रशियन लोग खुद इतने बड़े बड़े नाम रख लेते हैं और फिर छोटा नाम से काम चलाते रहते हैं, ठीक है। मैं अभी बिटिया को बुला के लाता हूँ, तुम बैठो। लोमो कह रहा है ओहो आदरणीय स्टेपन स्टेपनोविच, ठीक है, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, क्या आपको लगता है कि वो हाँ कह देगी, ठीक है। तो चुबुको कहता है वाय, अरे क्यों नहीं कहेगी, ठीक है, काहे नहीं कहेगी, वो तो तुमसे पहले ही बेपनाह मोहब्बत करती है, ठीक है, वो तो शी इज लाइक अ लव शिप कैट, कहने का मतलब वो तो तुम्हारे इश्क में पागल हो चुकी है, चिंता मत कर, ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैं अभी गया और अभी आया, और इतना कह के चुबुको निकल लेता है। अब लोमो का सुनो, इट्स कोल्ड, यार बहुत ठंडी है, मैं तो थर थर कांप रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई एग्जाम होने वाला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, ठीक है, The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to ठीक है, अगर मैं सोचने लगूं, अगर मैं hesitate करने लगूं, ज्यादा लड़कियों से बातचीत करूं, या फिर अपने लिए कोई ideal love marriage type की love story imagine करता रहूं, तो शायद मेरी कभी शादी नहीं होगी। बहुत ठंडी है। Natalia Stepanova एक अच्छी housewife है, उतनी बुरी भी नहीं दिखती है, नॉट बैड लुकिंग, ये वाला ठीक है, दिस इज लोमोव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ नतालिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन करके रखिए आप लोग, ठीक है, लोमोव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ नतालिया, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो
उतनी बुरी भी नहीं दिखती है, पढ़ी भी लिखी है, और मुझे आखिर चाहिए ही क्या, लेकिन ये मेरे कान क्यों बज रहे हैं? ठीक है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया हूँ। उसके बाद फिर पानी पीता है और कहता है, एंड इम्पॉसिबल फॉर मी टू नॉट टू मैरी, और मेरी तो अब उम्र भी काफी हो गई है। सबसे पहली बात कि मैं 35 का हो गया हूँ, बहुत क्रिटिकल उम्र है। दूसरी कि अब मुझे थोड़ी रेगुलर जिंदगी जीनी चाहिए। आई सफर फ्रॉम पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस यानी जब कोई इंसान, पाल्पिटेशंस यानी बेसिकली आज के जमाने की बात करें तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। वो जब कोई एक्साइटेड हो जाता है, पूरा बदन पसीना पसीना हो जाता है, तो उसको पाल्पिटेशंस बोलते हैं। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रम्बलिंग। ठीक है, अभी भी मेरे होंठ थरथरा रहे हैं, मेरी दाई आंख फड़क रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मैं चैन से सो नहीं पाता हूँ। जैसे ही मैं बिस्तर पे जाता हूँ और मुझे नींद आनी शुरू होती है कि तभी मुझे बाएं साइड पे एक जोर सा झटका लगता है, और लगता है कि मेरा कंधा और मेरा सर अलग हो गया। मैं किसी पागल की तरह उठ के बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर चलता हूँ और फिर सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही नींद आने लगती है तो तभी वही चीज फिर से होता है, और ये चीज एक रात में बीसियों बार होता है। मतलब समझ रहे हो कि चुबू को खुद तो बहुत बहुत बीमार है, ठीक है, और यहाँ जो है वो नतालिया के बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि ये कोई बुरी च्वाइस नहीं है, तो चलो इससे ही शादी करनी ही है तो इसी से कर लेते हैं, ओके, कोई और नहीं तो तुम ही सही, ये वाला एटीट्यूड है। यहां तक समझ में आया सबको चैप्टर? हाँ। और तभी नतालिया स्टेपानोवना जो अंदर आती है, ओके, और उसके बाद की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट।